सांगोद में महाराव भीम सिंह स्टेडियम में खेल सुविधाओं में बढ़ोतरी को लेकर जुटाई जा रही सुविधाएं खेल प्रेमियों के लिए बड़ी परेशानी बन रही है। मैदान का आकार पहले से ही कम है, अब यहां मैदान में ही दौड़ का ट्रैक बनाने से फुटबॉल व क्रिकेट खेल पर ग्रहण लगता दिख रहा है। पहले भी कई बार दौड़ ट्रैक का विरोध किया, लेकिन अब भी फुटबॉल खिलाड़ियों की समस्या दूर नहीं हो रही है। गुरुवार को फिर शहर के फुटबॉल खिलाड़ियों ने SDM कार्यालय पहुंचकर विधायक भरत सिंह के नाम ज्ञापन सौंपा और मैदान के अंदर बनाए जा रहे दौड़ ट्रैक को निरस्त करने की मांग रखी। फुटबॉल खिलाड़ियों ने बताया कि मैदान के अंदर से ही 200 मीटर दौड़ ट्रैक का निर्माण करवाया जा रहा है, इसमें फुटबॉल खेलने के लिए मैदान में पर्याप्त जगह नहीं रही, इससे फुटबॉल खिलाड़ियों में निराशा है। पहले भी कई बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन दौड़ ट्रैक का कार्य निरस्त नहीं हुआ। कुछ ऐसा ही समस्या क्रिकेट खिलाड़ियों के भी है। यहां क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए महाराव भीम सिंह स्टेडियम ही एकमात्र ऐसी जगह है। कई बड़ी प्रतियोगिताएं भी यहां होती हैं, लेकिन मैदान में ही दौड़ ट्रैक बनने से क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए भी यही समस्या खड़ी होने वाली है। मेरा नाम रितेश वैष्णव है, मैं राज्य स्तरीय फुटबॉल खिलाड़ी हूँ और हम यहाँ पे संघर्षरत हैं। यहाँ पे जो CFCL द्वारा जो निर्माण कार्य हो रहा है, वो जो क्रिकेट और फुटबॉल का जो मैदान है उसका पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब आप देख लो, ये जो ट्रैक बना रहे, पहले भी हमने यहाँ के CFCL के जो अधिकारी आए थे उनसे हमने हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट की थी कि जो हमारा जो मूलभूत मैदान है उसको आप छोड़ दो, उसके अलावा आप सब कार्य कर सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने SDM साहब को आज ज्ञापन दे दिया कि जो भी ये ट्रैक का निर्माण कार्य चल रहा है और ये जो एक इन्होंने ये जो रेलिंग लगाई है, हम इसका भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे हमारा जो ग्राउंड है मूलभूत तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। CFCL ने जो भी निर्माण कार्य किया है वो खिलाड़ियों की जो मूलभूत सुविधाएं होती है उसको ध्यान में रखकर नहीं किया है। तो हमारा ये विशेष निवेदन था CFCL वालों से कि ये निर्माण रोक के, ट्रैक निर्माण रोक के, इसका जो मूलभूत ग्राउंड का है, जो क्रिकेट का, जो फुटबॉल का ग्राउंड, जो इसकी जो जो मिनिमम जो होता है इसका, वो हमको प्रोवाइड करा दे। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर CFCL हमारी बात नहीं सुनता तो हम CFCL गड़े पांड फैक्ट्री के जाके विशाल प्रदर्शन करेंगे सांगोदवासी समस्त मिलकर।